नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण दलाल, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको सोलर पैनल कितने पैनल पर कितने HP की मोनोब्लॉक पंप चलती है, इन सब के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो मेरे बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया था कि भाई कोई सोलर पैनल का ट्यूबवेल जो है, सोलर ट्यूबवेल कोई हमें मिल जाएगा, किसी के पास हो तो आप हमें बताएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, एक किसान भाई के पास 2 HP का सोलर मोनोब्लॉक पंप चलता है इस ट्रॉली पर, और उस भाई के पास सरकारी जो 5 HP का पंप है उसका वो अलॉट हुआ है, जिसके कारण वो अपने इस 2 HP मोनोब्लॉक पंप को बेचना चाहता है। दोस्तों, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे 8 पैनल हैं, एक कंट्रोलर लगा हुआ है जिसे हम VFD भी बोल देते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, या साधारण भाषा में कंट्रोलर, और एक मोनोब्लॉक पंप 2 HP का 2880 RPM ऑपरेट जो मोनोब्लॉक पंप है, एक साथ में ये है। तो इन सभी के बारे में आपको आज जानकारी दूंगा। जो किसान भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं इन पैनल के बारे में, अब इनकी क्या खासियत है, इनका क्या आउटपुट रहता है और कितना पानी ये देते हैं, इसके जो पानी का फ्लो रेट है वो भी हम आपको दिखाएंगे, कितना पानी निकालता है, इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे और आपको साथ साथ दिखाएंगे। और दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो ये पैनल हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पैनल हैं, इम्पोर्टेड पैनल हैं, जो गवर्नमेंट के हमारे सब्सिडी पे जो पैनल लगते हैं उन पैनल में और इन पैनल में बहुत ज़्यादा फर्क है। वो क्या फ़र्क है वो अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ आज। तो दोस्तों, ये देखिए 8 पैनल हैं, ट्रॉली पर सेट कराए हुए हैं किसान भाई ने, आप देख सकते हैं वीडियो में, और इसमें साथ साथ एक पैनल और आप ऐड कर सकते हैं, उसकी जो जगह है वो पहले ही मेंशन है, उसमें पैनल लगे नहीं हुए हैं, फिलहाल 8 ही हैं। 8 पैनल पर 2 HP का मोनोब्लॉक पंप जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रन हो जाता है। दोस्तों, किसान भाई ने अपनी ट्रॉली पर पैनल सेट कराए हैं ताकि इसका मल्टीपर्पज़ के लिए वो यूज कर सकें, आप लोग प्रयोग कर सकें, इनको आप खेत में भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आपके खेत एक जगह से ज़्यादा जगहों पर हैं तो वहाँ भी अपने ट्रैक्टर की सहायता से आप इनको एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ कि ये कितने वोल्ट आउटपुट देते हैं, और इस पर मोनोब्लॉक पंप को चला कर दिखाऊँगा। दोस्तों, इस जो हमारा ये पैनल ऊपर लगा हुआ है, इस पैनल का जो साइज है 5.5 फीट लंबा है और 40 इंच का चौड़ा है, और इस पैनल की मैं पावर आपको एक सिंगल पैनल की मैं आपको पावर माप कर दिखाने वाला हूं अपने इस मल्टीमीटर से, और आपको समझ आ जाएगा खुद की जो सरकारी पैनल हैं और जो हमारे जो इस किसान भाई ने खुद खरीदे हैं, इन पैनल में क्या फ़र्क है, और ये 2 HP का मोनोब्लॉक पंप क्यों 8 पैनल पर चलता है। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि 12 पैनल से कम में कोई भी मोनोब्लॉक पंप नहीं चलेगा 3 फेज का, लेकिन ये 2 HP का पंप 8 पैनल पर क्यों चलता है, तो इसकी मैं पावर आपको माप के दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं जो सरकारी जो पैनल लगते हैं उस एक इंडिविजुअल पैनल की भी पावर मैं आपको माप कर दिखाऊंगा कि ये कितने वोल्ट आउटपुट देता है, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये प्लस और माइनस आप देख सकते हैं इंडिविजुअल पैनल के हैं, नज़दीक से दिखा भाई, ये देखिए इंडिविजुअल पैनल के ये प्लस और माइनस हैं दोनों। मैं इसकी पावर अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से ये देखिए, आप इधर देख लीजिए, ये एक पैनल के 2 वायर हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों वायर मैंने निकाल लिए हैं, और मैं अब आपको पावर माप के दिखाता हूँ आपके सामने कि एक पैनल क्या आउटपुट देता है। जो रेड वाला है वो आपको प्लस में लगाना है और जो ब्लैक वाला है वो आपको माइनस में लगाना है। तो दोस्तों, आप मल्टीमीटर पर देखिए, गौर कीजिए, 72.1 वोल्ट DC, यानी कि जो हमारा एक सिंगल पैनल है वो 72 वोल्ट DC आउटपुट देता है।
मैं दोबारा माप के दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए 72 वोल्ट DC एक आउट पैनल जो है का आउटपुट है, जो कि बहुत ही अच्छा आउटपुट है, और इतना आउटपुट आज तक किसी भी पैनल में नहीं आया है। अब मैं आपको गवर्नमेंट के सब्सिडी पे जो पैनल लगते हैं उनकी पावर माप के दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये 2 HP का जो पंप यहाँ पे चल रहा है हमारा, इसका पानी कितना पानी निकालता है ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। और ये सभी जो कनेक्शन है हमने सीरीज में जोड़ रखे हैं, अब मैं इनको वापस जोड़ देता हूँ नीडल को। सीरीज में कनेक्शन जोड़ रखे हैं 8 पैनल के। तो कंट्रोलर है यहाँ पे, ये सेट है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इस कंट्रोलर में 2 मोड हैं। एक तो आप सोलर मोड पे आप इसको खेत में यूज कर सकते हैं, मोटर पर यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें ग्रिड मोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है साथ में। ये देखिए नीचे जो GRID ग्रिड I और /P और एक दूसरा अर्थिंग का, यानी कि इस कंट्रोलर की एक खास बात ये है कि ये आपको सोलर मोड के साथ साथ ग्रिड मोड का भी ऑप्शन आपको देता है, जिससे आप पावर की सप्लाई ग्रिड में भी सीधा दे सकते हैं। उससे भी आप आपके जो बिल है वो बचत हो जाएगी यदि आपको घर पर यूज करना हो तो। अब मैं आपको ये 8 पैनल हमने ये आठ पैनल सीरीज में जोड़ रखे हैं। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ पे इसके स्विच लगे हुए हैं, ये यहाँ पे पहले सोलर मोड पर करेंगे। सोलर मोड पर करने के बाद हमारे पास पावर का जो आउटपुट है वो कितना आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो आपको पावर का आउटपुट आपको मिल जाएगा। ये देखिए 8 पैनल सीरीज में जोड़ने के बाद 563 वोल्ट DC हमारे पास बनी हुई है। अब हम इस मोटर को रन करेंगे। यहाँ पे ये स्विच दिया गया है ऑन ऑफ के लिए, और ये हमने मोटर रन कर दी है। मोटर रन होने के बाद ये थोड़ी देर में अपनी स्पीड पकड़ जाएगी। अब जो ये फ्रीक्वेंसी है ये 50 तक जाती है। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको पानी दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि जो पानी का आउटपुट है ये पूरी तरह से रन होने में इसको 20 से 30 सेकंड लग जाते हैं। और इस कंट्रोलर की सहायता से आप अपने मोटर के जो RPM है वो सेट कर सकते हैं। ये 2880 RPM वाली मोटर है। पानी का आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 8 जो पैनल हैं सीरीज में जोड़े हैं। सीरीज में जोड़ने से 8 पैनल की जो पावर है 72 वोल्ट के हिसाब से 563 वोल्ट बनी है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई भी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो इस किसान भाई का मोनोब्लॉक पंप चल रहा है उसके पास, पानी का क्या आउटपुट है ये देखिए। हमने बिल्कुल हल्की वायर डाली है 3 फेस की। पंप को चलाने में ज़्यादा जो कॉस्टली वायर है या ज़्यादा महंगी वायर है उसकी आवश्यकता नहीं होती। ये 2.5 mm की वायर है और इस 2.5 mm की वायर ही काफ़ी होती है 3 फेस के पंप को रन करने के लिए। ये यहाँ पे पंप चल रहा है 2 HP का मोनोब्लॉक। यहाँ पे इसके मैंने कनेक्शन दिए हैं। पानी आप खुद देख सकते हैं, ये 2.5 इंची फेंक है, 2.5 इंची का प्रेशर का आउटपुट है पानी का। और जैसे जैसे धूप बढ़ेगी ये और ज़्यादा पानी होता जाएगा। बहुत ही अच्छा आउटपुट है। और दोस्तों ये किसान भाई इधर बैठे हुए हैं खेत में, इनकी राय हम लेते हैं। ये किसान भाई हैं भाई 3 जो इधर गाजर और शलगम खा रहे हैं। क्या हाल है भाई जवानों? राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो आपका ये पंप लगा है, आप इसको क्यों बेचना चाहो? ऐसा सर, जो ये 27 दिसंबर को जो
फार्म निकले थे सोलर के, हाँ वे भरे थे, उसका हमारा 5 HP का पंप जो है वो लग चुका है। अच्छा, 5 HP का जो आपका पंप है गवर्नमेंट वाला सब्सिडी वाला, वो लग चुका है। इस कारण से सर मैं इसे लेना चाहता हूँ, अगर कोई भाई लेने का इच्छुक है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो चलिए मैं इस भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसका क्या प्राइस है वो आप खुद इनसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। मैं आपको पानी एक बार दोबारा और दिखा देता हूँ। और दोस्तों ये जो पंप है 9 बजे से लेके और शाम को 5:30 बजे तक चलता है सर्दियों में, और जो गर्मियों में इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आती है। ये 2.5 इंची फेंक का प्रेशर है, आप देख सकते हैं ये पंप चल रहा है 2 HP का मोनोब्लॉक। अब इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है मैं एक बार कंट्रोलर के पास जाके और दिखा देता हूँ। ये कंट्रोलर का जो बॉक्स है यहाँ पे सेट किया हुआ है साइड में। अभी दोस्तों इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 42 पे चल रही है, 42-43 पे फ्रीक्वेंसी चल रही है, जो कि 50 तक जाती है हाईएस्ट। तो दोस्तों जिस भाई ने भी लेना हो इस किसान भाई से संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं आपको जो गवर्नमेंट सब्सिडी पे पैनल लगे हैं इस भाई के, उसके एक पैनल की पावर मैं आपको माप कर दिखाता हूँ, उनके एक पैनल की जो आउटपुट है वो कितना है। दोस्तों ये जो पैनल है ये गवर्नमेंट सब्सिडी पर लगा है उस किसान भाई के, आज इस पैनल की मैं आपको पावर माप कर दिखाऊंगा। आप देखिए एक ये सिंगल पैनल है, नजदीक से दिखा भाई नजदीक से, ये सिंगल पैनल है। इस सिंगल पैनल के ये दो वायर हैं, मैं इसकी आपको वोल्ट माप कर दिखाता हूँ कि ये कितने वोल्ट देता है, आपको खुद पता लग जाएगा। पकड़ भाई इन पकड़ ले बार, ये जो रेड है ये आपको रेड में डालना है और जो ब्लैक है वो ब्लैक में। छोड़िए बार जोड़े जोड़ा ही नहीं। हाँ दोस्तों ये देखिए एक जो गवर्नमेंट की सब्सिडी पर जो हमें पैनल लगते हैं उनकी एक सिंगल पैनल की जो पावर है वो आपके सामने है मल्टीमीटर में 43.3, यानी कि ये करीब 42 से 43 वोल्ट जो DC है वो आउटपुट देता ही एक पैनल। आप ये देख लीजिए ये हमने एक सिंगल पैनल के हमने नापे हैं। आप दोबारा एक बार फिर दोबारा माप देते हैं, हम हटा दे भाई एक बार वापस दोनों को। अब दोबारा लगाओ भाई प्लस का प्लस में और ये माइनस में लगा दो ब्लैक वाले को। तो ये देखिए पावर भाई सेम 43.3 है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, धूप और छाँव से पैनल की वोल्ट पर कोई फर्क नहीं।